मैं सुरिंदर अपने पति कुलविंदर जी तारजी बेबे और अपने बच्चे जोगी और जस्सी के साथ अमृतसर से दिल्ली आई हूँ। आज एक नई शुरुआत हुई है, नया सवेरा लेके आया है, नई उम्मीद। उम्मीद अपने बच्चों के लिए, उनके आने वाले कल के लिए। इसीलिए तो आए हैं हम दिल्ली शहर, जहाँ रोज नए सपने बनते हैं। लो जी, आ गए दिल्ली। कर लो अपने दिल की। थैंक यू जी कुलविंदर जी। और ज्यादा खुश ना हो, घर बार सब छोड़ के आ गए हैं यहाँ रफूजी बनके। आप भी ना, हर बार इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? देखना, अब हम यहाँ आ गए हैं ना, तो मेरा दिल कहता है अब अच्छा ही अच्छा होना है। चलो। ओए मेरे अचार दी बर्नी। ओए ओए बेक की कितना इन्हें नुकसान कर दिता मेरा। बेबी प्लास्टिक की बर्नी है, कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई नहीं जोगी, जरा हेल्प कर। क्यों सब कुछ मेरे से करा लो, हेल्प ही तो कर रहा हूँ, फिर रोते ही रहते हैं। भैया जी जरा मदद कर दो साफ करने में। भैया जी ये ना संभाल लो वरना गाली मेरे को ही पड़ गई है अभी। कौन कौन, मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई, हमारा सामान। हाँ मैं बोल रहा हूँ, कर दिता अनलोड। उस तरफ देखो, उस तरफ। भाई साहब जरा एक सेकंड रुको, मैं करता हूँ। जस्सी कितनी है? जस्सी तो क्या हुआ, जस्सी कितनी है? अभी साथ ही तो थी वो। सुरिंदर जी आप देखते नहीं हो यार, आप इतना देखते हो ना, मैंने सुनाई कि बहुत है देखने वाला। मजाक सोच रहे, बच्चे का है वही। मजाक नहीं कर रही, एक मिनट रुको, बच्चे यही होगी। कहाँ साथ भाई साहब, एक मिनट यही होगी। कुछ बोल रही है तेरी बहन। पीछे ना पया कर, चल चल चल, तू मेरे ना चल पुत्र। पहले ओजी काके हाथ पकड़ ले, मम्मी का आजा हाथ पकड़ ले। बच्चे तो सच में मेरा हाथ पकड़ेगी। हाँ हाँ पापा जी है तो। बेटा तेरे पापा जी की कही हर बात है ना पत्थर की लकीर नहीं होती, साथ रहे, पीछे मत छूट जाना, ठीक है? चलो आगे चलो। टैक्सी स्टैंड उस तरफ है ना। दो टैक्सी करने के एक में चल जाएगा काम। बड़ी टैक्सी कर लो तो एक चल जाएगा। बड़ी टैक्सी के लिए बोला है। 7 सीटर है सर, 7 सीटर। देखो जी इतना सामान है। पंजाबी बाग जाना है भाई साहब। ओ जी कोई गली नहीं है, मैं पंजाबी बाग ही छोड़ दूंगा सर। चलो 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 भाई साहब ले चलो। पंजाबी बाग है भाई साहब। आ जा जस्सी, आ जा। हो गई ना, सारे आ जाओ। चलो चलो हो गई, चलो चलो हटो हटो। खोल लो डिक्की दरवाजा। दो की तरह पीछे पड़ जाते हैं ये लोग। बेबे आपा वहां अमृतसर में ठीक थे? आपकी बहू जिद करके ले आई हमको यहाँ पे। कुलविंदर पुत्र, अमृतसर के कुएं में हमारे नाम का पानी खत्म हो गया था। अच्छा, बहू ने ठीक किया। दारजी आपने हमेशा अपनी बहू की साइड लेनी है ना? ड्राइवर साहब डिक्की खुलवाओ। आप भी मेरे साइड आ जाओ ना, मना कौन कर रहा है आपको? सुरिंदर जी, दारजी बेबे यही क्या कर रहे हो आप? कुलविंदर जी अब ना हम बड़े शहर आ गए, यहाँ का रोमांस तो ऐसा ही होता है, बेशरम टाइप, समझे? ओ जी रखो रखो सामान, ड्राइवर साहब क्या कर रहे हैं? ऊपर रखो दारजी, रख। हाँ आराम से आराम से। हाँ हाँ बेटा, मैं कितने बैठूं, आगे या पीछे? बच्चे जा जाके मिले, बैठ जा। तूने हर छोटी गल मुझसे पूछी कर? भाई मैंने कोई पानी ला के दे दियो, गला सूख रहा है मेरा। बेबे एक मिनट में मंगवानी है, एक मिनट रुक जाओ। असी बच्चे एक काम करना, वो सामने दुकान नजर आ रहा है, वहाँ से ना एक बोतल पानी ले आ ठंडा, ठीक है? ये ले पैसे। जी मैं। हाँ क्यों, कल ले जाओ मम्मा। तो तूने क्या बारात ले जानी है पानी लेने वास्ते? लेकिन मम्मा नया शहर है, नए लोग हैं, मैं कैसे जाऊंगी पानी? अरे तेरी उम्र की लड़कियां तो कहाँ कहाँ घूमती है, तो पानी नहीं ला सकती? अब प्यासे ही मारेगी अपनी माँ को और बेबे को। नहीं ना तो जा जा, बच्चे में देख रही हूँ ना। चल जा 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 ले आ। अरे
क्वेश्चन, जस्सी कितने है? पानी लेने गई है। ओए जिंदगी के सारे लेसन आज ही पढ़ाने मेरी बच्ची को। कुलविंदर जी, अब नए शहर आ गए हैं तो नए सिरे से शुरुआत करने दो उसे। देखना ये दिल्ली शहर ना हमारी भीगी बिल्ली को शेरनी बना देगी। भैया जी पानी की बोतल लेना। आजा बच्चे, आजा आजा। पानी लेके? कुछ हुआ नहीं ना, घबरा रही थी। बेबे लाओ जी पानी। आहो हो जाओ ठंडे। पानी ते पानी ते पानी। हाँ बाद में लेनी आ रहा कब। अरे जगह देख लो बैठने की। हाँ। सामान तो सारा भर गया है। जैसे बच्चे एक काम कर, जा जोगी भाई के पास जा। जा अब यही एडजस्ट हो जाते हैं। चलो जी चलो जी। बहन को अपने पास बिठा लेना। जस्सी बैठ जा बच्चे। तेई बटा चार पंजाबी बाग। जोगी बिठा लिया बहन को। ओए ड्राइवर एसी तो चला। चलो 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 भाई चलते हैं। मम्मी जी पापा जी मत रहे। कोई बात नहीं जस्सी, कोई बात नहीं जस्सी। मम्मा कहती थी ना अब तू बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। बिल्कुल घबरा मत काकी। पापा जी मम्मी जी है तुम्हारे साथ। बिल्कुल घबरा मत। हेलो हेलो पापा जी। हेलो हेलो तो कटिंग है। ओ सुरेंद्र जी सिग्नल ही नहीं आ रहा मेरा तो। अपना फोन पकड़ाओ एक बारी। एक मिनट ये लो। इसमें भी नेटवर्क नहीं है देखो। ओहो ड्राइवर साहब कब आएगा ये पंजाबी बाग? बस जी ये रेड लाइट क्रॉस करके आ जाएगा। फिर ये रेड लाइट तो हमने पहले भी क्रॉस किया है, दोबारा वही कैसे आ गया? दिल्ली के यू टर्न लंबे होते हैं। पर हमने तो कोई यू टर्न लिया ही नहीं है कुलविंदर जी। ये घुमा ही आ रहा है हमको। ओए तो घुमा रहा है हमको। लो जी अब आप ही बता दो रास्ता, आपको ज्यादा पता है ना, अब तो तभी चलेंगे। अरे की चक्कर है भाई। हम सुरेंद्र जी मैं तेरा एड्रेस पता करके आता हूं। क्या देखो जी रास्ता नहीं पता था तो सवारी क्यों बिठाई? मैडम जी आवाज नीची रखो नीची। पुत्र जी हमने आपसे यही कहा ना है कि हमें पंजाबी बाग जाना है, आप आगे बढ़ो। सर जी हमारा भी पेट्रोल चलता है। रास्ते का पता नहीं है, हम बहुत जमाए जा रहे हैं। बाजी वाह अब रास्ता भी हमने पूछा है, सारा पता हम ही पूछेंगे, हम ही करेंगे सब। देखो भैया हमको ना ऐसे कोई एक मिनट बेटा जी वो आप लोगों को पता है पंजाबी बाग सही बटा चार और बी ब्लॉक कहाँ पर है? यही तो रहा आंटी पीछे। ये लो जी ले सामने ही है। और तू तो हमें घुमाए जा रहा है, कमाल ही है। क्यों भैया जी घुमा रहे थे पैसेंजर को? मैडम अब आप भी हमारे ऊपर चढ़ जाओ है। कैसे बात कर रहे हैं? पहुंचा दिया ना, उतारो अपना सामान। You don't worry आंटी, इनसे तो मैं निपटती हूँ। कहाँ से आ रहे हो? हाँ बेटा जी वो दिल्ली स्टेशन। कितने पैसे मांग रहे हैं? 1500। कौन से देश में 300 रुपए भी नहीं बनते आंटी? सच्ची? इनको ठगते आपको शर्म नहीं आती? मैडम उनका सामान भी है। ओ हेलो ज्यादा होशियारी नहीं, 300 रुपए पकड़ाओ आंटी। तो सामान जो 50 ले लो, 350 पकड़ाओ नहीं तो अभी बुलाती हूँ पुलिस। मैडम पुलिस की धमकी ना दो, पैसे तो हम उतने ही लेंगे जितने की बात हुई थी। अच्छा डॉली इधर के बैच और नंबर प्लेट की फोटो ले। दे दो आंटी दे दो इसे आप 1500 ही दो। जब ये नंबर आरटीओ में जाएगा और लाइसेंस रद्द होगा ना तब अपने आप अगर ठिकाने आ जाएगी। दे दो आप इसे 1500 ही दो। ओ, मैडम जी मैं दूर लेके आया हूँ, 500 रुपए तो दे दो। ओ हेलो सामान उतरवा टिप मिल जाएगी। ठीक है आंटी जी तुम चढ़ाओ दिस पीपल। हाँ चलो उतारो। वाह बेटा जी थैंक यू। हाँ बड़ी स्मार्ट हो, इतनी होशियारी दिखाई। अरे कमाल ही हो गया, वरना ये ड्राइवर तो हमें घुमाता ही रहता है। आंटी जी ये दिल्ली है, यहाँ ऐसा ही होता है, आप भी सीख जाएंगे धीरे धीरे।
ये रहा 3/4 सुरिंदर। मुझे पता चल गया, कुड़ी ने बता दिया। उन्होंने बताया, शुक्रिया पुत्र। आओ सामान निकाले, चलो आ जाओ। कितने नगने टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जस्ती पुत्र, जोगी, ओ जोगी, जस्ती किथे है? हाँ बहन, कहाँ है? तेरी साथ नहीं बैठी थी, उतर गई? आ गई थी ना आप लोगों के साथ। अरे वो तो दिल्ली कम खतरनाक नहीं है। पापा जी, जस्सी, मम्मी जी, हेलो। एक ही कॉइन बाकी है। हेलो, हेलो मम्मी जी, मैं जस्सी बोल रही हूँ मम्मी जी। पापा जी, दार जी, कोई तो सुन लो मेरी बात। हेलो, मैं तो रह गई, मेरे पास तो पैसे भी तो दूर है। एक बॉटल पानी दीजिए। पपरे, सॉरी। अरे कोई नहीं बच्चे, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं। तुम ठीक हो? जी। बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं हेल्प कर दूंगी। नहीं आंटी जी, सब ठीक है। ठीक तो तुम नहीं हो। ऐसे कैसे भाई, जान कहाँ है आपका? मेरे को लगता है ना जानबूझ के रह गई हो। अब बकवास मत कर दो यार। जानबूझ के रह, कुछ भी बोलता। और कहाँ ढूंढेंगे बच्ची को आप? एक मिनट, स्टेशन चलते हैं जी। हाँ वही, ओ ड्राइवर जी, गाड़ी निकालो, स्टेशन चलना है। चलो चलो, कोई और ढूंढ लो जी, कोई और ढूंढ लो। वो ये क्या कह रहा है? पागल हो गया क्या? वहाँ पर बच्ची, कोई और ढूंढ लो। सुन भाई, गलत सुन यार, ऐसे रिश्ते नहीं करते यार। सुन काका, गलत क्या कर रहे हो? कमाल का बंदा है यार, कमाल का। वो सारे बंदे ऐसे हैं दिल्ली में। आंटी आंटी, डोंट वरी, मैं तो कर दू। आप रुकिए, चलो लिखता। ऑटो ऑटो रोक ले भाई, ऑटो। घर से भागी होगी? भागी हो ना? नहीं आंटी सिंह, मैं तो अमृतसर से यहाँ दिल्ली चली आई। कोई गड़बड़ की है? किसी ने झूठा वादा किया है तुम? नहीं, मुझे कोई वादा शादा नहीं किया। क्या प्रॉब्लम है बच्चे, मुझे बताओ ना। मैं आंटी हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, आई प्रॉमिस यू। बोलो तो सही। आंटी जी, मैं अमृतसर के एक्सप्रेस पे थी तो मम्मी ने बोला था कि पानी लेके, जैसे पानी नहीं लेना तो मम्मी ने बोला था कि गाड़ी के पीछे बैठने लगी ना, तो गाड़ी निकल गया, मैं यहाँ पे रह गई हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि लूं। अब मैं हूं ना, आप तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल राइट, जब तक तुम्हारी मम्मी डैडी नहीं मिल जाते मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये लो पानी पी। अच्छा, अपनी मम्मी का नंबर दो जी। 99-625-353। हाँ।
चाचा जी चल के ढूंढते हैं आपकी बेटी को। दादी आप सामान लगाओ जरा, हाँ तब हम आते हैं दस्सी को लेके। चल पुत्र। नंबर नहीं लगा जी, 0 लगाइए ना। पुत्र गाड़ी 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 रोक, एक सेकंड गाड़ी रोक। से दस्सी का फोन हो। एक मिनट पुत्र। हेलो हेलो, अब तक तो आपको होश आ ही गया होगा कि आपकी बच्ची दिल्ली शहर में खो गई है। अरे आप जैसे लोगों की खबर ना पुलिस में करनी चाहिए। बच्चियां चाहिए नहीं होती है और उन्हें रेलवे स्टेशन पर पटक देते हो, कैसे माता पिता है आप? एक मिनट बहन जी, आप हमारी बात तो सुनिए। अरे आप बात को कहां से कहां ले जा रही है? अरे वो जैसी हमारी जान है, इकलौती बच्ची है हमारी। इकलौती बच्ची को दिल्ली शहर में छोड़कर चले गए, अब कैसे माता पिता है? अगर परवरिश करनी नहीं आती तो बच्चे क्यों पैदा करते हैं आप? ओ जी बहन जी, आप जरा शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं, बच्चे की हालत तो देखिए, कितनी डरी हुई, कितनी सहमी हुई है। वो तो मैं उसे मिल गई इसलिए अच्छा हुआ, वरना। हमारी बात सुनिए जरा, हमारी बच्ची से हमारी बात करवा दीजिए प्लीज। ठीक है। हेलो जस्सी, बच्चे तू ठीक है ना? बच्चे जल्दी से पता कहाँ है? मम्मी जी मैं तो ठीक हूँ, आंटी जी ने तो फोन दिया बात करने के लिए, मैं आंटी के साथ ही हूँ। हेलो हेलो जस्सी, ओए जस्सी, तो कैसी है मेरी गुड़िया? पापा जी मैं तो ठीक हूँ। तेरी आवाज से तो नहीं लग रहा, और तू पीछे कैसे रहेगी? तो टेंशन ना ले, हमारे तेरे को लेने के लिए वहाँ पे। मम्मी मम्मी बात कर रही है, मम्मी बेटा। हेलो जस्सी, बच्चे कहाँ है तू बता ना, हम बस पहुँच ही रहे। जी आप आंटी से बात कर लीजिए। हेलो ओ जी बहन जी, आप स्टेशन पे एग्जैक्टली कहाँ खड़े हो जी? बस हम पहुँच ही रहे। देखिए मैं जस्सी को आपके पास लेकर आती हूँ, अब आप अपना पता बता दीजिए। जी हम पंजाबी बाग 23/4 ब्लॉक बी में है। अच्छा मैं वहीं पर रहती हूँ। आ रही हूँ मैं जस्सी को लेकर। हाँ प्लीज जी प्लीज जल्दी आइएगा। चलो मिल गए तुम्हारी मम्मी डैडी। कोई हम जा रहे हैं ना लेने के लिए, क्यों किसी और के साथ? नहीं नहीं नहीं, वो कह रही थी कि वो भी यहीं रहती है पंजाबी बाग में, तो वो ले आएंगी जस्सी को। और ठीक है ना, हम कहाँ ढूंढेंगे नवे शहर में? ओए ना जान ना पहचान, वो ऐसे किसी के हाथों अपनी बच्ची। कुलविंदर जी इतनी देर से वो हमारी जस्सी के साथ ही है ना, और फिर नंबर है ना उनका हमारे पास, पूरे रास्ते फोन करते रहेंगे। जस्सी भी कह रही थी कि आंटी बड़ा ख्याल रख रही है उसका, आ जाएगी। फिक्र है जी उसे हमारी बच्ची की, कि शायद मुझसे भी अच्छी माँ हो। कैसी माँ है? बोला अजनबी के साथ घर आ जाओ। अरे नहीं नहीं आंटी जी, मम्मी जी ऐसी नहीं है, वो ना लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेती है। अच्छा हाँ। वैसे क्या नाम है तुम्हारी माँ का? सुरिंदर। बहुत साल पहले अमृतसर में मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, उसका नाम भी सुरिंदर ही था, अब वो दोस्ती नहीं रही। एनीवे लेट्स गो। हाँ बहादुर बोलो क्या हुआ? मैडम जी रिया बेबी कार लेकर किधर चली गई? कार लेकर चली गई? अरे पर तुमने रोका क्यों नहीं? जी मैंने रोकने की कोशिश किया लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। ओफो क्या करूँ मैं इस लड़की का। आंटी जी घर चले, वही इंतजार कर लेना अपनी बेटी का। हाँ चलो चलो बेटा जी चल। रिया हजार बार तुमसे कहा है ना कि गाड़ी को हाथ मत लगाओ, फिर तुमने गाड़ी क्यों निकाली? What's wrong with you? मोमजी क्या हुआ, मुझे ड्राइव करना आता है ना। रिया तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है और तुम गाड़ी लेकर घूम रही हो। मोमजी आप गाड़ी चला रहे हो ना, गाड़ी चलाते समय फोन पे बात नहीं करते। ओके बाय। रिया ओह गॉड, ये रिया भी ना डरा देती है, ये कोई तरीका हुआ? दुनिया में ओबीडियंट टाइप के भी बच्चे होते हैं, होते हैं ना? तुम ओबीडियंट हो, अपनी माँ की सारी बातें सुनती हो कि नहीं? वही तो, काश मेरी रिया भी ऐसी होती। लेकिन मेरी मम्मा जी तो कहती काश मैं औरों की तरह बिंदास होती। मिलती हूँ तुम्हारी मम्मी से, बताती हूँ उन्हें इतनी चंगी इतनी सोनी बच्ची है, और ये भी बताती हूँ बिंदास बच्चों की परवरिश कितनी डिफिकल्टी का काम है। कुलविंदर जस्सी मिल गई, फोन पे हो गई गल, एक मैडम है वो लेके आ रही है उसको। बेटा जी आज बड़ी मदद की तुमने हमारी, कैसे थैंक यू करें तुम्हारा। आंटी आप मेरी मदद कर सकते हैं ना, मेरी मम्मा से कहिएगा कि बड़ी मजबूरी में गाड़ी निकालनी पड़ी आपकी मदद के लिए।
एक मिनट बेटा जी, आपकी उम्र क्या है? 16। अरे रब्बा, 16 साल की है? 16 की? क्या सोच के गड्डी चलाई? आंटी ये सोच के कि इमरजेंसी है। ना ना, गलत बात है बेटा। अरे 18 से पहले गड्डी को हाथ भी नहीं लगाते। मम्मी पापा ने नहीं बताया? तुम्हारी मम्मी को तो मुझे अच्छा ठीक है नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर प्रॉमिस करना होगा गड्डी को हाथ नहीं लगाओगी। हाँ प्रॉमिस। आंटी जी आप प्लीज मेरी मम्मा जी को कह देंगे कि मैं तो खुद आना चाहती थी लेकिन आप ही ने मुझे। डोंट वरी बेटा जी, इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, सो डोंट वरी, रिलैक्स, मैं कह दूंगी जी। ठीक है। मम्मा के पास आ गई ना, बहादुर है ना बच्ची। हाँ रोनी बच्चे, चल बस तुम अब और नहीं रोना। हाँ मम्मा पास आ गई। वाह, अब देखो माँ बेटी का प्यार। ओ बहन जी, ये प्यार कहाँ था जब आप अपनी बच्ची को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। आप अखबार पढ़ते हैं ना, जानते हैं ना यहाँ क्या क्या होता है। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए बहन जी, मैं निक्की सूरी For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.